नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में और रुख सीधा फटाफट खबरों का करेंगे। सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा आज कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा, डिसमिस्ड, यानी कि खारिज। जज मोगेरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे और ये केस 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के मैदान दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान दोष सिद्धि के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट उनकी तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। खबर के मुताबिक शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी। अब्दुल्ला आजम ने याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दरअसल 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। मुरादाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने फरवरी 2023 में 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी। यमन की राजधानी साना में एक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई जिसमें 78 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दरअसल इस कार्यक्रम में व्यापारी लोगों को आर्थिक सहायता यानी कि पैसे बांट रहे थे और इस घटना के बाद कार्यक्रम आयोजित करने वाले 2 व्यापारियों को हुती विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। हुती विद्रोही संचालित गृह मंत्रालय के मुताबिक हादसा राजधानी साना के पुराने शहर में हुआ। मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नीट एग्जाम इस बार नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इस साल करीब 21,10,000 उम्मीदवारों ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी 2023 के लिए आवेदन किया है जिसमें करीब 12 लाख महिला उम्मीदवार शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पंजीकरण के आंकड़ों के अनुसार करीब 21 लाख उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.57 लाख अधिक है। इस साल महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल 11.8 लाख महिला उम्मीदवारों ने पंजीकरण करवाया है जबकि इसकी तुलना में 9.02 लाख पुरुष उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में लू लगातार और भी खतरनाक होती जा रही है। एक नए अध्ययन में ये बात सामने निकल कर आई है। अध्ययन के मुताबिक देश का 90% से अधिक हिस्सा और पूरी दिल्ली लू के प्रभावों के खतरे के क्षेत्र में है। ये अध्ययन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रमित देवनाथ और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि लू ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को पहले की तुलना में ज्यादा बाधित किया है। दिल्ली सहित देश के कई राज्य भीषण गर्मी से बेहाल होते दिखाई दे रहे हैं। प्रचंड गर्मी ने लोगों के दैनिक कामकाज के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कुछ राज्यों में हीट वेव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं तो वहीं राजधानी दिल्ली में चिलचिलाती धूप और 40 डिग्री के ऊपर पारे ने लोगों को घर से ना निकलने पर मजबूर कर दिया है। बिहार के पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव लगातार सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में बिहार के औरंगाबाद से फोन पर उन्हें धमकी मिली थी और इस मामले में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। ये मामला पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया और पुलिस मुख्यालय में से मिले दबाव के बाद आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर फोन करने वाले को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान कामा बिघा निवासी सुनील कुमार मंडल के रूप में की गई है। बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के दौरान उसने बताया कि वो RJD विधायक का साला है। RJD विधायक भीम कुमार सिंह का वो साला है। हिंदी सिनेमा के प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली की ऑफिस पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है जो सुबह जारी रही। इसके अलावा बॉलीवुड के अन्य प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस पर भी IT टीम की रेड पड़ी है। इनकम टैक्स ऑफिस की ओर से जानकारी दी गई कि फिल्म निर्माता जयंतीलाल गढ़ा के परिसरों पर भी छापेमारी जारी है। विनोद भानुशाली की कंपनी पहले देश की शीर्ष संगीत और प्रोडक्शन कंपनियों में से एक में से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कुछ समय पहले ही अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया। कर्नाटक में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की छठी और अंतिम सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस लिस्ट में रायचूर इसी के साथ ही डिडलाघाट, सीवी रमन नगर इसी के साथ ही SC अकलगढ़गुड़ और मंगलौर सिटी नॉर्थ विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस ने रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से मोहम्मद नसलीम को मैदान में उतारा है। इसके अलावा सिलरा घाटा से BV राजीव गौड़ा, CV रमन नगर SC से A आनंद कुमार इसी के साथ ही
अर्कलगुड़ से एचपी श्रीधर गौड़ा और मंगलौर सीट नॉर्थ से इनायत अली को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले कांग्रेस ने आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। एलन मस्क ने हाल ही में एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि कब से आपका ट्विटर ब्लू टिक हट जाएगा। अगर आप भी एक ट्विटर यूजर हैं तो आपको ब्लू टिक के लिए पैसे देने पड़ेंगे। सीईओ एलन मस्क ने ये कहा है कि जो यूजर्स पैसे नहीं देंगे उन्हें ब्लू टिक का लाभ नहीं मिलेगा। एलन मस्क ने बताया था कि 20 अप्रैल को ट्विटर से लेगेसी ब्लू टिक मार्क यानी कि वेरीफाई अकाउंट से हट जाएगा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि लेगेसी ब्लू टिक मार्क 20 अप्रैल से हटा दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर ब्लू टिक चाहिए तो मंथली चार्ज देना पड़ेगा, जिसके बाद ही अकाउंट पर ब्लू टिक मार्क एक्टिव किया जाएगा। देश के कई राज्यों में हर रोज बड़ी संख्या में कोरोना के केस मिल रहे हैं। बुधवार को भी दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल में पिछले दो दिनों में 150 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारों ने उचित कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 1,767 नए मामले सामने निकल कर आए। इसी के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर बढ़कर अब 28.63% हो चुकी है और 6 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 6,172 केस जो टेस्ट किए गए हैं और उसमें से 1,427 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 6,046 एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में केस मिले हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड-19 के 1,100 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 4 और मरीजों की मौत हो गई। मोदी सरकार स्वच्छ भारत मिशन पर हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। सरकार स्वच्छता पर लगातार ध्यान दे रही है। स्वच्छता संदेश संबंधी स्लोगन भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन को संभल जिले में पलीता लगाया जा रहा है। संभल के मोहल्ला नाला पर भैंसा नदी का सबसे बुरा हाल है। यह नाला पूरी तरह से चौक पड़ा हुआ है। लोगों ने आरोप लगाया है कि भैंसा नदी के नाले को बने हुए 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इसकी साफ सफाई नहीं हुई। हर साल टेंडर होता है, लेकिन पालिका प्रशासन और ठेकेदार बंटर बात कर देते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सपा ने 3 नगर पालिका परिषद सहित 4 नगर पंचायतों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। पीलीभीत नगर पालिका से आपको बता दें कि नसरीन अंसारी और प्रत्याशी बनाया गया। पूरनपुर नगर पालिका से मुजफ्फर अहमद उर्फ हाजी लाडले को प्रत्याशी बनाया गया है। नगर पालिका परिषद बिसलपुर से रेहाना को प्रत्याशी बनाया गया। नगर पंचायत नौगवा से पड़िया से वर्तिका सक्सेना प्रत्याशी बनाया गया है। तो वही नगर पंचायत नूरिया से आपको बता दें शाजिया प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसी के साथ ही जहानाबाद नगर पंचायत से इजाज अहमद पूर्व चेयरमैन को प्रत्याशी बना दिया गया है। कासगंज की थाना सिकंदरपुर वैश्य को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जहर खुरानी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में लूटी गई नकदी, मोबाइल, आधार कार्ड के अलावा 4,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस सभागार में हुई प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार दुबे के मुताबिक लगातार जहर खुरानी गिरोह के सदस्य भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते रहे हैं। भाड़े पर वाहनों को करके ले जाते थे और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देते थे। जैसे ही वो बेहोश होते थे तभी उनसे पास में रखी नकदी सामान को लेकर वो फरार हो जाते थे। फतेहपुर में एसपी के निर्देश पर अवैध रूप से संचालित शस्त्र फैक्ट्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने तमंचा खरीदकर आ रहे एक शातिर अपराधी की निशानदेही पर जंगल में छापेमारी कर भारी मात्रा में बने अधबने तमंचा कारतूस और उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने खरीदार और बनाने वाले 2 शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बदायूं में रोडवेज बस में सफर के दौरान एक छात्रा से पीतल नगरी रोडवेज बस चालक द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ की घटना उस वक्त हुई जब छात्रा पेपर देकर संभल से चंदौसी कॉलेज से वापस अपने घर लौट रही थी। वो रोडवेज बस में बैठी थी और सफर कर रही थी। सफर के दौरान जिस सीट पर वो छात्रा बैठी थी उससे ठीक आगे रोडवेज चालक की सीट थी। आरोप है कि बस चालक ने मोबाइल में अपना नंबर डायल कर उसे दिखाया, लेकिन चालक को मोबाइल नंबर दिखाना महंगा पड़ गया। छात्रा ने उसी करतूत मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली और अन्य यात्रियों से उसकी हरकत बताई और फिर क्या, यात्रियों ने उसे दौड़ा लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने पर नगर पालिका सभासद रवि रस्तोगी ने कीटनाशक दवाई का छिड़काव कराया। इस दौरान पर्यावरण मित्रों के साथ सभासद रवि रस्तोगी भी साथ रहे। सभासद रवि रस्तोगी ने कहा कि मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विशेष अभियान चलाकर शहर के मुख्य बाजार होते हुए नगर के विभिन्न वार्ड के नालों और नालियों में आपको बता दें कि डेल्टा मिथ्रीन यानी कि 2.5% फिनाइल का स्प्रे और DDT पाउडर का छिड़काव कराया गया।
जिले में कोरोना के 7 मरीज एक्टिव मिले हैं, जिसके साथ ही कोरोना मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। जिले में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 49 हो चुकी है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय राजपुर की 7 छात्राएं भी कोरोना पॉजिटिव निकली है। डिप्टी सीएमओ ने कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की जानकारी दी है। इन दिनों पंचायत जिले के टनकपुर में पूर्णागिरी धाम मेला चल रहा है। ये मेला 13 माह के लिए संचालित किया जाता है। आपको बता दें कि लेकिन इस वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के पश्चात तो प्रयास किया जा रहा है कि मेले को साल भर चलाया जाए। इस मेले की बिजली व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा ठेकेदार रखा गया है, जो ठेकेदार बिजली विभाग को चकमा देकर बिजली चोरी कर मेले में बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाटनाघाट के समीप जब देखा गया कि ठेकेदार द्वारा बिजली चोरी की जा रही है, तो उनके द्वारा बिजली विभाग को फोन कर सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर बिजली विभाग के लाइनमैन द्वारा विद्युत को संचालित कर रहे ठेकेदार के केबल जब्त की गई। उन्नाव में नगर निकाय चुनाव में अपने अपनी पूरी ताकत झोंककर अपने प्रत्याशी चेयरमैन की कुर्सी हासिल करने में लगे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नगर पंचायत मुरावा में सियासी पारा चरम पर है। यहां पर भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी के प्रस्तावक को धमकाकर प्रस्ताव वापस करवा लिया, जिसके बाद भाजपा से प्रत्याशी विवेक सीट का पर्चा खारिज हो गया। भाजपा से टिकट मिलने से पहले अपना निर्दलीय नामांकन भी वो कर लिया था। नगर पंचायत मुरावा के में कुल 5 प्रत्याशियों में सभी निर्दलीय हैं। वहीं प्रस्तावक ने निर्दलीय प्रत्याशी नवनीत शुक्ला पर धमकाने और प्रस्ताव वापस लेने का दबाव बनाने का थाने में प्रार्थना पत्र देकर गंभीर आरोप लगाया है। खबर गाजीपुर से है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में फैसला आना था, लेकिन आपको बता दें कि एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव के द्वारा मामले में लिखित शिकायत के लिए अफसर की मांग की गई, जिसको देखते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली तारीख 27 अप्रैल को फैसले के लिए निर्धारित की है। दरअसल मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि 2009 में मोहम्मदाबाद थाने में वीर हसन द्वारा 307 के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं थे, बल्कि विवेचना के दौरान 120 बी में उनका नाम जोड़ा गया था। मामले में मुख्य अभियुक्त सोनू यादव था और इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी, इस केस में बरी हो चुके हैं। झांसी से मोरानीपुर की तरफ जा रहा बाइक सवार असंतुलित होकर मोटरसाइकिल से खाई में जा गिरा, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुड़सराई लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान रामकिशोर राजपूत के रूप में। जल जीवन मिशन पाइपलाइन को लेकर लोगों का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना के लिए बगरा में पाइपलाइन डलनी है, जिसमें एनएचआई के अंतर्गत आने वाले पुल के पास से पाइपलाइन बिछनी है। हर गांव और सभी जगह सड़क खोदकर ही लाइन डाली गई है, लेकिन बगरा में एनएचआई सर्विस रोड को छोड़कर पाइपलाइन डाल रहा है, जिसमें दर्जनों लोगों के मकान चपेट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बता दें कि आज लाभ लश्कर के साथ उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर एनएचआई जल निगम के अधिकारी करीब 4 से 5 थानों की पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां पर जांच प्रक्रिया आदि की गई। तब मौके पर पहुंचकर लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और लोगों ने कहा कि जब मकान बन रहे थे तब एनएचआई पेट्रोलिंग टीम नहीं आई, और अब लोगों ने जब मकान आदि का निर्माण करवा लिया है, लोगों को अब भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ललितपुर में सवारियों से भरी लोडिंग ट्रैक्टर और ट्रॉली की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की 4 गाड़ियों की मदद से सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। गाजीपुर पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। इसी क्रम में जिले के 12 अपराधियों की सूची जारी की गई, जिसमें से कुछ पर इनाम घोषित किया गया और कुछ पर इनाम की राशि को बढ़ाया गया है। इनाम राशि बढ़ाने जाने में आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी शामिल है, जिन पर पहले 25,000 का इनाम घोषित था और अब इसे बढ़ाकर 50,000 का इनाम कर दिया गया है। तो वही मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ थाना कोतवाली में धारा 406, 420, 386 और 506 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है। सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर 25,000 का नाम घोषित किया गया। पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे द्वारा निर्देश पर इसकी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि दक्षिण टोला में गैंगस्टर एक्ट में अफशा अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। काफी समय से अफशा अंसारी फरार चल रही है। कासगंज के कादरगंज पर अलीगढ़ से आए परिवर्तन दल के अधीक्षक ने अपनी टीम के साथ बदायूं डिपो की रोडवेज बस पर चेकिंग की और इस बस में 23 यात्री बिना टिकट मिले हैं, जबकि कुल 33 यात्रियों में से मात्र 10 यात्रियों पर ही टिकट मिला है। यात्रियों ने टिकट के रुपए परिचालक द्वारा वसूल किए जाने और टिकट नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। इस मामले में यातायात अधीक्षक ने बस के परिचालक के विरुद्ध सिकंदरपुर वैश्य थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां पर दूसरे चरण के निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने के लिए चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन वही समाजवादी पार्टी के एक एक करके आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है और इसी क्रम में संत कबीर नगर में भी 8 नगर निकाय चुनाव पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर सपा खेमे में चुनाव को दमदार इसे जीतने को लेकर प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है। हापुड़ की तहसील गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गढ़ मवाना रोड पर एक भैंसा बग्घी सड़क किनारे खड़ी एक बग्घी से टकराकर पलट गई। इस दौरान भैंसा बग्घी पर बैठी महिला बच्ची बाल बाल बच गए, जबकि भैंसा बग्घी लेकर भाग गया, जिसके पीछे लोगों ने भागकर किसी तरह से रोका और नियंत्रण में किया। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक में त्योहारों को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। इसके अलावा जुमा, अलविदा एवं ईद की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर निकाय चुनाव जीतने का गुरु मंत्र दिया, तो वहीं विधायकों और सांसदों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के नगर निकाय चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों की जीत की जिम्मेवारी सौंपी है। इस दौरान शिवपुर विधानसभा के विधायक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने गणेशपुर वार्ड में भाजपा के मेयर और सभासद प्रत्याशी के साथ घर घर संपर्क किया और केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को और योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। वहीं भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर जीत दिलाने की अपील भी की गई। भोजपुर एक्टर आकांक्षा दुबे की मौत मामले की गुत्थी सुलझ पैट। भोजपुर एक्टर आकांक्षा दुबे की मौत से जुड़ा पैट। अरे यार कहां से है ये। भोजपुर एक्टर आकांक्षा दुबे की मौत मामले में पैट। भोजपुरी एक्टर आकांक्षा दुबे की मौत मामले में गुत्थी उलझती ही नजर आ रही है। इस मामले में एक नया मोड़ तब सामने आ गया जब आकांक्षा की मां मधु दुबे की अधिवक्ता शशांक श्वेता त्रिपाठी ने एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो को आकांक्षा दुबे रोते हुए ये कह रही है कि मुझे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार समर सिंह ही होंगे। वहीं इस वीडियो के बारे में आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने ये कहा है कि जो लोग कह रहे थे कि अमर सिंह आकांक्षा को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनको इस वीडियो को देखकर समझना चाहिए कि किस तरह से समर सिंह उसे टॉर्चर करता था। कस्मा मुड़िया धुरेकी के पास आपको बता दें कि एमएफ हाईवे पर भूसा लदे ओवरलोड ट्रक और छोटा हाथी में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे छोटा हाथी के चालक समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए राज्य की वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आईएफएस अधिकारी की नियुक्ति की है। सीएम धामी ने तेज तरार आईएफएस डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को नोडल अफसर बनाने के निर्देश जारी किए हैं, जिस पर पीसीसीएफ फॉरेस्ट ने इस आश्रय का नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से लैंड जिहाद, मजार जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम धामी ने यह सार्वजनिक ऐलान किया था कि वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा और अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर रासुका जैसे कड़े कानून लगाने में भी वो परहेज नहीं करेंगे। मौसम विभाग द्वारा जनपद के कुछ स्थानों पर आपको बता दें कि 21 अप्रैल को गरज के साथ ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछार होने की संभावना व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जनपद में तहसील स्तर पर IRS प्रणाली के नाम सभी अधिकारियों और विभागीय नोडल अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने तत्परता बनाए रखने को लेकर सावधानी, सुरक्षा और आवागमन में नियंत्रण बरतने और सभी संबंधित अधिकारियों को आपदा संबंधित सूचना जिला आपदा कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने को कहा है। पौड़ी जिले की SSP श्वेता चौबे ने उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद और उसके साथी की हत्या होने के बाद अब पौड़ी जिले में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के निर्देश जिले के समस्त थाना प्रभारियों को दिए हैं। SSP ने जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश भी पुलिस टीम दिए हैं, जिससे उक्त घटना के बाद संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। वहीं अपने अपने थाना क्षेत्र में थाना प्रभारियों को पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी SSP ने दिए हैं। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के अड़ेत गांव में उस वक्त ग्रामीणों में के होश खाफ्ता हो गए जब बंदरों को कैद करने के लिए लगाए गए पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया। घटना की जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान मल्ली जयवीर सिंह ने बताया कि क्षेत्र में बंदरों द्वारा ग्रामीणों को काटकर घायल करने की घटनाएं होने पर ग्रामीणों को बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग ने क्षेत्र में बंदर पकड़ने वाले पिंजरे लगाए थे, जिससे पहले पिंजरे में कुछ बंदर कैद भी हुए थे जिन्हें वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन इस बार बंदरों के पिंजरे में गुलदार को कैद देखकर ग्रामीणों के होश फाख्ता हो गए। आपको बता दें कि जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लगातार मौसम खराब होने के कारण उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क तमाम क्षेत्रों में अप्रैल के महीने में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो वहीं गंगोत्री धाम में यात्रा शुरू होने में 2-3 बचे हैं और धाम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कार्य में मौसम बाधित बन रहा है। गंगोत्री नेशनल पार्क इंचार्ज राजवीर रावत का कहना है कि गंगोत्री से कंखू बैरल से ऊपर गौमुख मार्ग पर आधा फीट बर्फबारी पड़ी हुई है।
आगामी ईद उल फितर त्यौहार को लेकर पुलिस सतर्क हो चुकी है। रमजान की अलविदा, जुमा और ईद के त्यौहार को लेकर मंगलौर पुलिस ने कोतवाली मंगलौर में ग्रामीणों की बैठक आयोजित की। बैठक में पहुंचे सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने सभी समुदाय के स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के लोगों के साथ गोष्ठी के लोगों को शांतिपूर्वक ईद का त्यौहार मनाने की अपील की है। कटेरा स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव साजवेरा तिराहे पर चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। पृथ्वी राज आपको बता दें कि कटेरा मुख्य रोड पर खड़ी कार से निकलती आग की लपटों से हर कोई हैरान रह गया। इस दौरान आवागमन बंद हो गया। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने हमारे साथ। नमस्कार।